हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइपरकैलेसीमिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हाइपरकैलेसीमिया, हाइपर का मतलब है हाई, मींस एक्सेस अमाउंट। कैल्सी का यहाँ पर मतलब है कैल्शियम से, और ईमिया का मतलब है ब्लड, मींस ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल हाई होता है नॉर्मल से तो उसको हम हाइपरकैलेसीमिया बोलते हैं। नाउ एबनॉर्मली हाई लेवल्स ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड मोर देन 10.5 mg/dL, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल कैल्शियम लेवल है, नॉर्मल टोटल सीरम कैल्शियम लेवल वो कितना है, 8.5 टू 10.5 mg/dL। तो अगर 10.5 से ज़्यादा होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, हाइपरकैल्सीमिया। नाउ कैल्शियम, यहाँ पर टोटल सीरम कैल्शियम की बात हो रही है, क्योंकि कैल्शियम क्या है, वो आयनाइज फॉर्म में भी है, बाउंडेड फॉर्म में भी है। आयनाइज मीन्स जो फ्री कैल्शियम मूव कर रहे हैं, आयनाइज का मतलब है कि जो फ्री कैल्शियम है, वेयर एज जो बाउंड कैल्शियम है वो किसी ना किसी से बाउंड होता है, जैसे कि प्रोटीन से बाउंड होता है, एल्बुमिन से बाउंड होता है, तो जिसको बाउंडेड कैल्शियम बोलते हैं। अब टोटल सीरम लेवल हम देखते हैं कि ब्लड में टोटल जो कैल्शियम का लेवल है वो कितना है, दैट इज 8.5 to 10.5 mg/dL, और 10.5 से अगर ज़्यादा होता है तो उसको हम हाइपरकैलेसीमिया बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी कैल्शियम की बात हो रही है तो आपको याद रखना है कि जो पैराथायरॉयड हॉर्मोन होते हैं और जो विटामिन डी होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, अगर ये ज्यादा है पीटीएच एंड विटामिन डी तो कैल्शियम भी बॉडी में ज्यादा होगा। विटामिन डी कैल्शियम के अब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है। पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही कैल्शियम होगा, जितना कम होगा उतना कम कैल्शियम होगा, तो ये आपने ध्यान में रखना है। वेयर एज जो कैल्सिटोनिन है और फोस्फेट है, ये ऑपोजिट वर्क करते हैं कैल्शियम से, तो अगर कैल्सिटोनिन और फोस्फेट का लेवल हाई है तो कैल्शियम का लेवल कम होगा, और अगर कैल्सिटोनिन और फोस्फेट का लेवल कम है तो कैल्शियम का लेवल बॉडी में हाई होगा। तो ये आप ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो आपको जो ऑलमोस्ट जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम फंक्शंस पढ़ लेते हैं कुछ कैल्शियम के। तो कैल्शियम किसके लिए ज़रूरी है, हमारी बोन्स और टीथ की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। बोन्स में कैल्शियम स्टोर होता है, टीथ में कैल्शियम स्टोर होता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, नर्व्स के जो सिग्नल ट्रांसमिशन होती है, न्यूरो ट्रांसमीटर नर्व हेल्थ के लिए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। रेगुलेशन ऑफ हार्ट रिदम, हार्ट की रिदम के लिए बहुत ज़रूरी है कैल्शियम। उसके बाद ब्लड क्लोटिंग, सो कैल्शियम की प्रेजेंस में ही क्लोटिंग फैक्टर जो नंबर 4 है वो बनता है, तो ब्लड क्लोटिंग पाथवे के लिए भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं इसके कोजेस। तो हाइपरकैलेसीमिया, बॉडी में ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज क्यों हो रहा है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, पैराथायरॉयड हार्मोन, अगर उसका लेवल ज़्यादा होगा तो कैल्शियम का लेवल भी ज़्यादा होगा। तो अगर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, मीन्स पैराथायरॉयड हार्मोन का जो लेवल है वो हाइपर है, ज़्यादा है, वो कब हो सकता है, सपोज पैराथायरॉयड ग्लैंड की जो एक्टिविटी है वो ओवर एक्टिव हो गई है, हो सकता है पैराथायरॉयड ग्लैंड में कैंसर हो, ट्यूमर हो, जिसकी वजह से वो ओवर एक्टिव हो गई हो, जिससे क्या होगा, एक्सेसिव लेवल ऑफ पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल हाई होगा। अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल हाई होगा तो कैल्शियम का लेवल भी इंक्रीज होगा, सिंपल। उसके बाद आता है कैंसर, कुछ कैंसर्स होते हैं जैसे कि लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, मल्टीपल माइलोमा, अगर ये मेटास्टेसिस हो जाती है, इनमें मेटास्टाइज हो जाते हैं, बोन्स में ये फैल जाते हैं, बोन्स तक स्प्रेड हो जाते हैं, तो बोन्स में ये क्या करेंगे, बोन्स में रिजॉर्प्शन करेंगे, बोन का ब्रेकडाउन करेंगे, जिससे जो कैल्शियम है वो ब्लड में रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा एंड ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। या फिर ये क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूसिंग हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस, जैसे कि पैराथायरॉयड हार्मोन की एक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है, उसके जैसे हार्मोन्स ये सिक्रीट कर सकते हैं जिससे कैल्शियम का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सेसिव इनटेक, अगर आप विटामिन डी सप्लीमेंट ज़्यादा ले रहे हो या सिंपली कैल्शियम ज़्यादा ले रहे हो, ऐसे डाइट ले रहे हो जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मिल्क, योगर्ट, चीज़, टोफू, ये सब कंज्यूम कर रहे हो, तो विटामिन डी भी क्या करता है, ये भी कैल्शियम के अब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो अगर एक्सेसिव इनटेक होगा तो ऑब्वियसली ब्लड में जो लेवल है वो हाई होगा। उसके बाद आता है डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन, सब कुछ सही है लेकिन बॉडी से कैल्शियम एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा। अब कैल्शियम एक्सक्रीट आउट कहाँ से होता है, किडनीज से होता है, तो अगर किडनीज में डिसीज है, कोई क्रॉनिक किडनी फेलियर है, रीनल फेलियर, तो उसमें क्या होगा कि कैल्शियम जो है बॉडी में रिटेन होगा, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, तो किडनी डिसीज में होगा।
थायराइड डायूरेटिक्स, जो थायराइड डायूरेटिक्स हैं ये भी क्या करते हैं, ये भी कैल्शियम को रिटेन करते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होने देते, तो कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। लिथियम, लिथियम क्या करता है, लिथियम से क्या होता है कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जैसे कैल्शियम की जो रिटेंशन है वो बॉडी में शुरू हो जाती है। उसके बाद प्रोलोंग इमोबिलाइजेशन, अगर बहुत टाइम से कोई पर्सन इमोबिलाइज है, अपनी जो बोन्स है उसका यूज़ नहीं कर रहा, तो क्या होता है कि बोन्स में ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, मीन्स बोन की रिजॉर्प्शन, उसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, जिससे कैल्शियम बोन से निकलकर ब्लड में आना स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं प्रोलोंग इमोबिलाइजेशन की वजह से कैल्शियम का लेवल हाई होना, तो हाइपर कैल्शीमिया इसकी वजह से भी हो सकता है। यूज ऑफ लिथियम थेरेपी, अगेन लिथियम मैंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया, जो भी साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए यूज होता है लिथियम, तो अगर लिथियम देते हैं तो PTH पैराथायरॉयड हार्मोन की एक्टिविटी इंक्रीज होती है, जिससे कैल्शियम इंक्रीज होता है। उसके बाद आता है हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म अगर थायरॉयड हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज हो रहा है, T3 T4 का इंक्रीज हो रहा है लेवल, तो वो क्या करते हैं कि ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, जिससे अगेन बोन का ब्रेकडाउन होगा, रिजॉर्प्शन होगा और ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा। अब साइन एंड सिम्टम्स इसमें क्या आते हैं, अगर कैल्शियम हमारी बॉडी से नहीं निकल रहा, किडनी से नहीं निकल रहा, तो वहीं पे इकट्ठा होता रहेगा, किडनीज में रिटेन होता रहेगा, जिससे क्या होगा, किडनी स्टोन बनेंगे, इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया मतलब क्योंकि कैल्शियम तो जा नहीं रहा बॉडी से बाहर, तो यूरिन जो है कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो पाएगा, जिससे एक्सेसिव यूरिन आएगा, पॉलीयूरिया। अगर एक्सेसिव यूरिन जा रहा है बॉडी से बाहर तो प्यास भी ज़्यादा लगेगी, डिहाइड्रेशन होगी, जिससे पॉलीडिप्सिया भी होगा, तो एक्सेसिव थर्स्ट भी होगी। बोन पेन, फ्रैक्चर्स एंड वीक मसल्स, अब देखो क्यों हो रहा है हाइपर कैल्शीमिया, कि बोन से क्या हो रहा है, कैल्शियम निकल के ब्लड में आ रहा है, तो बोन्स के पास तो कम रह गया ना कैल्शियम, तो जिसके कारण क्या हो सकता है, बोन में पेन और वेरी इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर हो सकते हैं, मसल्स जो हैं वो वीक हो जाएंगी। उसके बाद आता है कॉन्स्टिपेशन, GIT पे जो GI सिस्टम है, गट है, वहाँ पर क्या होगा, स्लो पेरिस्टेल्सिस, जो पेरिस्टेल्सिस है वो नहीं होगा प्रॉपर, जो मोटिलिटी है गट की वो स्लो हो जाएगी, जिससे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग होगी, डिहाइड्रेशन अगेन इसलिए हो रहा है क्योंकि पॉलीयूरिया हो रहा है। उसके बाद पेप्टिक अल्सर्स एंड पैंक्रियाटाइटिस, अगर कैल्शियम का लेवल हाई हो रहा है ब्लड में तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे पेप्टिक अल्सर्स होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद हार्ट पर क्या दिखेगा, ये क्या है, हार्ट रिदम को मेंटेन करता है, तो हार्ट रिदम मेंटेन नहीं होगी, एरिदमिया, इरेगुलर हार्ट रिदम्स आएंगी, तो एरिदमिया, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट क्या होगा, स्लो होगा, शॉर्टेंड QT इंटरवल, ECG में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे कि जो QT इंटरवल है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या कर सकते हैं, सिंपली आप कैल्शियम का लेवल चेक करें, पैराथायरॉयड हार्मोन अगर वो एक्सेस होगा तो कैल्शियम का लेवल एक्सेस होगा, विटामिन डी लेवल्स चेक करें, इमेजिंग टेस्ट मींस कोई भी जो एक्सरेज हो गए, अल्ट्रासाउंड हो गए, या फिर और अदर टेस्ट, वो किस लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी मैलिग्नेंसी देखने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ये सब डायग्नोज करने के लिए। रीनल फंक्शन देखेंगे कि किडनीज में प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि कैल्शियम बॉडी से एक्सक्रीट आउट ही नहीं हो रहा। उसके बाद आता है फॉस्फेट लेवल, तो फॉस्फेट्स का लेवल भी देखेंगे, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया ये ऑपोजिट वर्क करता है कैल्शियम से। ट्रीटमेंट, अब सबसे पहले क्या है, हाइड्रेशन देंगे, क्योंकि पॉलीयूरिया हो रहा है, पॉलीडिप्सिया हो रहा है, जिससे डिहाइड्रेशन हो रही है बॉडी में, तो हाइड्रेशन देंगे, ओरल भी दे सकते हैं, IV भी दे सकते हैं। पर हाइड्रेशन का ये भी बेनिफिट होता है कि अगर IV फ्लूइड्स दे रहे हैं तो IV फ्लूइड्स दे रहे हैं तो वो कैल्शियम के एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगा। डिसकॉन्टिन्यू मेडिकेशंस दैट आर इंक्रीजिंग कैल्शियम लेवल्स, ऐसी कौन सी हमने मेडिकेशंस अभी कोर्सेज में पढ़ी, जैसे कि थायराइड डायूरेटिक्स है, लिथियम है, तो उनकी यहाँ तो डोज एडजस्ट करनी पड़ेगी, अगर थायराइड डायूरेटिक्स है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा लूप डायूरेटिक्स से, एंड मेडिकेशंस को चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद यूजिंग लूप डायूरेटिक्स जैसे कि फ्रूजमाइड क्या करेगा, फ्रूजमाइड से क्या होता है कि कैल्शियम रिटेन नहीं होता, तो कैल्शियम के एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, प्लस फ्रूजमाइड क्या करेगा, IV फ्लूइड तो हम दे रहे हैं, तो फ्लूइड को, अगर ज़्यादा फ्लूइड हो गया, इनकेस हार्ट फेलियर का पेशेंट है, तो वो भी मेंटेन करेगा, फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालेगा किडनीज के थ्रू, जिससे कैल्शियम भी साथ में ही जाएगा। बिसफोस्फोनेट्स आप फोस्फो से याद रखें, एक तरह से फोस्फेट्स है, तो अगर फोस्फेट्स का लेवल हाई होगा तो कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होगा, इसलिए हम ये देते हैं बिसफोस्फोनेट्स। ये क्या करता है, बोन की रिजॉर्प्शन को बंद करता है, तो बोन के ब्रेकडाउन को बंद करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा,
करेगा तो जो कैल्शियम है बोन से निकलकर ब्लड में नहीं आएगा। उसके बाद कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन भी ऑपोजिट वर्क करता है कैल्शियम के, तो कैल्सिटोनिन भी दे सकते हैं सबक्यूटेनियसली या फिर IM दे सकते हैं। कितना दिया जाता है? 4 IU/kg every 12 hours। उसके बाद कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे कि प्रेडनिजोलोन, तो ये स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, ये ना कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बंद करते हैं, कम करते हैं GI ट्रैक से। तो दे रिड्यूस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड डिक्रीज वाइटामिन डी एक्टिविटी, वाइटामिन डी की एक्टिविटी को भी कम करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि कैल्शियम का जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं हो पाता ब्लड में। उसके बाद डायलिसिस, अगर किडनी फेलियर के पेशेंट है तो डायलिसिस ज़रूरी है, कैल्शियम को एक्सक्रीट आउट कराना ज़रूरी है बॉडी से। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवर एक्टिव पैराथायरॉयड ग्लैंड, अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड ओवर एक्टिव है, सपोज ट्यूमर है पैराथायरॉयड ग्लैंड में, तो उनका सर्जिकल रिमूवल किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन मैलिग्नेंसी, कोई भी मैलिग्नेंसी है, कैंसर है, उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी या फिर सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर, जो भी नेसेसरी ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंग टू द कोज ऑफ द डिसीज़ वो किया जाता है, अंडरलाइन कोज को ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा और हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो पेशेंट है, क्योंकि एरिथमियाज हो रहा है तो कार्डिक मॉनिटर यूज़ करेंगे पेशेंट के लिए, एंड फ्रैक्चर के भी चांसेस इंक्रीज है इन पेशेंट्स में, तो पेशेंट को क्या है हमेशा मॉनिटर करते रहेंगे, क्लोज सुपरविजन में पेशेंट को रखेंगे। सो आई होप आपको हाइपरकैलेसीमिया क्लियर हुआ हो। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।